हेलो फ्रेंड। तो भाई साहब आज अपन दिन में निकले, भाई साहब दिन में बूम बाम करने। तो मैं तो रात में गाड़ी चलाता हूँ मुंबई में, आप लोग को पता है भाई साहब, मैं रात में 12 बजे के आसपास निकलता हूँ, 12 बजे कल करीब डिवाइस ऑनलाइन करता हूँ। तो कल बहुत थक गया था तो रात में नहीं जा पाया, मैं बोला यार थक गया हूँ तो चलो आज दिन में चलते हैं, देखते कैसा काम है। और थोड़ा मोबाइल की शॉप भी बराबर ओपन नहीं हो पा रही थी तो मैं आज दिन में जाने का फैसला किया। मैंने 8 बजे मैंने डिवाइस ऑनलाइन किया और 8 बजे मैंने पहला बुकिंग भी लिया। 8:05 पे ओला का मैंने पहला बुकिंग लिया। सीएनजी वगैरह भरने के बाद 8:08 पे मुझे एक बुकिंग आती है कोपर खैरने विक्रोली कन्नम वार नगर से। 17 किलोमीटर का सिर्फ 32 मिनट लगा है, उस टाइम ट्रैफिक नहीं था और जो पैसा मिला है 550 रुपये मुंबई में फ्रेंड्स, ओला का देख लो आप लोग 550 रुपया और जो किलोमीटर है वो देख लो आप लोग 32 किलोमीटर। तो इस तरह से पहला बुकिंग खत्म हुआ और मैं पहुंचा फ्रेंड्स कोपर खैरने। कोपर खैरने से खाली ढूंढ 4 किलोमीटर शायद वासी प्लाजा आया मैं, सतारा प्लाजा कोपर खैरने में सेक्टर 19, जहां गाड़ियों वगैरह का एक्सेसरीज वगैरह भी मिलता है, जहां से मैंने कार लिया था, मारुति का सर्विस सेंटर है माई कार पुणे, वहीं पे गाड़ी लगाया मैंने। और एक बुकिंग आता है मुझे वडाला का, मैंने उठा लिया 9:06 पे। 23 किलोमीटर का 331 रुपया मिला, 75 रुपये टोल रिफंड मिले, 45 रुपये अपने को वासी का मिला है और 35 रुपया मेरे को मुंबई में पोर्ट ट्रस्ट का जो रोड है ना, जो पोर्ट ट्रस्ट मतलब जो समुद्र का जो पोर्ट वगैरह का है उनका ट्रस्टी रोड है, तो वहां का आप अगर वहां से जाओगे ना तो आपको 30 रुपये टोल देना पड़ता, तो मुझे 30 रुपये वहां पे टोल देना पड़ा। लेकिन टोल मुझे देना नहीं पड़ा, हालांकि रिफंड मुझे कंपनी ने दिया। तो देना इसलिए नहीं पड़ा कि वो जो बैठे थे वो लोग जो वहां के BPT बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट के मेंबर है उनको नहीं देना पड़ता, तो हॉस्पिटल जा रहे थे उनका कार्ड था दिखाया तो टोल नहीं लगा। तो 75 रुपये का यहाँ पे 30 वहां पे और 45 यहाँ पे अपने पास पास है। तो पहली बुकिंग है 75 रुपये का टोल रिफंड, 331 रुपया, 23 किलोमीटर का 400 का काम बनता हुआ फ्रेंड्स। ये देखो 400 का काम यहाँ पे बन गया, पहली बुकिंग में 550 का काम बन गया, दो बुकिंग में जबरदस्त मेरा फटाफट 2 घंटे में 1000 के आसपास का काम हो गया। तीसरी बुकिंग मुझे लगती है 10:04 पे वहीं से अंटॉप हिल से, और वो बुकिंग गोरेगांव का था, पैसेंजर को ड्रॉप किया, जबरदस्त फेयर था इसका फ्रेंड्स, 16 किलोमीटर का 423 और बूस्ट बुकिंग था 16 किलोमीटर का 423। आप लोग को दिखा देता हूं ये फेयर, क्या मालूम कैसे कम हो गया यार, अच्छा फेयर मिला था बाद में। तो ये देखो फ्रेंड्स 16 किलोमीटर का 423 रुपया मुझे मिला है, पैसेंजर को मैंने ड्रॉप कर दिया है। उसके बाद फ्रेंड्स एक बुकिंग मुझे लगता है कांदीवली से, तो गोरेगांव मैंने पैसेंजर को ड्रॉप किया, दिन में ही काम कर रहा हूं मैं आजकल। तो कांदीवली से जो बुकिंग मुझे मिला फ्रेंड्स वो मुझे 31 किलोमीटर का 430 रुपया थाने वेस्ट का था, मैंने उठा लिया, मैं बोला फटाफट लेके चलता हूं। और वहां पे एक टोल रिफंड भी मिला होगा मुझे देखने, तो हाँ 45 रुपये का टोल रिफंड, तो 430 और 45 तो हिसाब लगा लो आप लोग कितना मिला है, 475 रुपये मिला है 31 किलोमीटर का। थाने पैसेंजर को ड्रॉप किया और वैसे मुझे विक्रोली का बुकिंग लगता है ओला में, तो ओला का भी बुकिंग मैंने फटाक से कर लिया, 270 रुपये 8 किलोमीटर के 9 किलोमीटर के मिले मुझे। तो इस तरह से आज 2100 रुपये का काम मैंने दिन में कर लिया। और अभी बुकिंग 2 बजे के बाद जो बुकिंग सारे थे ना, तो थोड़ा फेयर अच्छा नहीं लगा मुझे, तो मैं बोला चलता हूँ अब घर, यहाँ से 7 किलोमीटर घर है, घर निकल जाता हूँ, 7-8 किलोमीटर है, कल फिर से निकलेंगे, हो सके तो आज रात में निकलूँ, लेकिन नहीं अभी जाके शॉप ओपन करूंगा मैं, और कल फिर से हो सके सुबह ही निकलूँ, अगर सुबह नहीं निकलने का प्लान हुआ तो फिर छुट्टी करके फिर डायरेक्ट रात में निकलेंगे। तो गाड़ी मैंने चला लिया है 136 किलोमीटर, 3.CNG अभी भी है, 500 की CNG में 2100 रुपये का काम मैंने किया है दिन में फ्रेंड्स। और मंगलवार का दिन है आज, मंगलवार है फ्रेंड्स, ये देखो 136 किलोमीटर गाड़ी चलाया मैंने, 3 पॉइंट अभी भी CNG है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स।